तो भैया जब किसी को दम्बर कूटने की बात होती है तो कानपुर शहर में कहते हैं कि मारते मारते भूत बना देंगे, और जब योग दिवस की बात होती है तो कहते हैं सांस फुला फुला कर बाबा रामदेव बना देंगे। नमस्कार, मैं हूँ रोहित सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं TripleDotCom। ओ थोड़ा ज़्यादा फर्जी जोक हो गया, लेकिन खैर सभी देशवासियों को योग दिवस की ढेरों बधाइयाँ शुभकामनाएं। योग करिए और स्वस्थ रहिए। तो भैया सिर्फ सांस अंदर बाहर करने की प्रक्रिया को योग कहा जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसी एक क्रिया से आपके भीतर की लाखों बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनको सुनकर ही बीमारियां हो जाएं। इस तरह की बीमारियां भी वो सांस की क्रिया जो होती है, जिस प्रकार से सांस लेकर योग किया जाता है, उससे ठीक हो जाती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है 1001 श्री श्री गुरुओं के गुरु, लोगों को सुबह सुबह बिस्तर से दरी पर लाने वाले बाबा बाबा रामदेव का। इसे ब्रेस्ट पूरा बॉडी पंच तत्व पंच कोश पंच प्राण पंच उपप्राण पंच कर्मेंद्रिया पंच ज्ञानेंद्रिया अंतकरण चतुष्ट अष्ट चक्र नौ द्वार 72,72,10,201 नाड़ियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरी अवस्था, ये सारी चीजें ठीक हो जाती है एक प्राणायाम से। Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Bus. We start to dance and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Like me, come on now, follow my lead. 72,72,10,201 नाड़ियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरी अवस्था। चुप हो जाइए बाबा जी, अब और नहीं सुना जाएगा मुझसे, चुप हो जाइए प्लीज। तो आपने देखा कि कैसे बाबा रामदेव ने ऐसी ऐसी बीमारियों और लक्षणों के बारे में आपको बताया कि जो सिर्फ सांस अंदर बाहर करने से इतने प्रकार की बीमारियां आपकी ठीक हो जाती हैं। कुछ और भी बाबा जी बताना चाहते हैं? इसी बात का हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बाबा जी आज से नहीं पहले दिन से जैसे ही आप टीवी ऑन करते हैं तो बाबा जी आपको क्या कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। अमूमन आम तौर पे साफ शब्दों में लहजे में अगर बात की जाए तो बाबा जी एक आंख छोटी करके बोलते हैं करने से होगा। अब करने से क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, ये आपको डिसाइड करना है, आपको चुनना है। लेकिन इस योग दिवस पर एक प्रण जरूर बनाएं कि अपने जीवन में योग को शामिल करें, भले ही एक आंख बंद करके ना करें तो भी चलेगा, दोनों आंख खोल के योग करें तो भी चलेगा, पर योग जरूर करें। धन्यवाद।